अभी सीक्वेंस है लॉर्ड एल्गिन का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे थे, कालक्रम के अनुसार पढ़ रहे थे, और इन बिटवीन उनके समय में जितने भी गवर्नर जनरल हुए या वायसराय हुए उनके समय में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सबको सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी से सवाल बहुत आता है आर ओ आर ओ में। तो शुरुआत होती है लॉर्ड एल्गिन की, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन वन 1862 से लेकर 1863 या तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, उसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, उसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट 1861 पास हुआ, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई, 57 की क्रांति हुई बहुत बड़े स्तर पे, और 55-56 में संथाल विद्रोह, 58-59 में बहुत ही बड़े स्तर का इंडिगो रोल या नील विद्रोह। जब नील विद्रोह होता है तो ये समझ में आता है अंग्रेजों को कि अब हमको न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ करने की जरूरत है, न्याय व्यवस्था को अच्छा करने की जरूरत है। तो उसके लिए एक हाईकोर्ट एक्ट पास होता है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पास होता है, और 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है लॉर्ड एल्गिन के समय में। 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है लॉर्ड एल्गिन के समय में। तो इस सिक्वेंस में होता है पहले कलकत्ता हाईकोर्ट, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1862 में, ठीक है। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पास हुआ 1861 में, उसके बाद 3 हाईकोर्ट बन गए। तो एल्गिन के समय में ये इंपॉर्टेंट चीज हुई। इसके बाद जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से लेके 1869 तक। जॉन लॉरेंस आएंगे 1864 से 1869 तक। इनके समय फर्स्ट टाइम शिफ्ट हिज काउंसिल, परिषद, अपनी परिषद को कहां पे हस्तांतरित कर दिया इसने, शिमला में। शिमला क्या थी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, समर कैपिटल थी, ठीक है। इस समर कैपिटल को बनाया किसने था, तो या तो डलहौजी ने बनाया था, इसको डलहौजी ने बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी ने बनाया था, लेकिन इसने पहली बार ट्रांसफर किया, इसने पहली बार हस्तांतरित किया अपनी राजधानी को शिमला में, ठीक है। अपनी परिषद को हस्तांतरित किया कहां पर, शिमला में, ठीक है। और इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1866 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1866 में, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजी में आएगा हाईकोर्ट की स्थापना तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर देन इलाहाबाद, या फिर ये सवाल आ सकता है कि सबसे पहले किस हाईकोर्ट की स्थापना हुई, तो 1862 में हुई कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना, सबसे पहले जुलाई के आसपास हुई थी, ठीक है। फिर इन्हीं के समय में, जॉन लॉरेंस के समय में 1866 में एक भुखमरी हुई बहुत बड़े स्तर की, या फमीन, भुखमरी या फमीन, ठीक है। खाद्यान्न वगैरह की बहुत ज्यादा कमी हो गई, क्योंकि कोई भी कृषि सुधार बहुत बड़े स्तर का हुआ नहीं था, ठीक है। और यही कारण से अलग अलग तरह के हमको रिवोल्ट पढ़ने को मिलते हैं, पामना रिवोल्ट हो गया, डेक्कन रिवोल्ट हो गया, ये अलग अलग तरह के जो रिवोल्ट हुए हैं, नील विद्रोह हो गया। ये सारे विद्रोह का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे कृषि का कोई बहुत बड़ा स्तर पे सुधार नहीं हुआ, कृषि सुधार बहुत बड़े स्तर का नहीं हुआ, इस वजह से बहुत ही कई आए हैं, मतलब कई भुखमरी, कई फेमीन वहां के अंदर आई 1900 से पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक कमीशन की स्थापना हुई, कैंपबेल कमीशन, और बहुत से लोग मर गए थे इसमें, मतलब लगभग 5 से 10 लाख लोग मर गए थे। इसके लिए कमीशन की स्थापना हुई, कैंपबेल कमीशन, कब हुई थी, 1866 में ही, 1866 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई, और 1866 में कैंपबेल कमीशन की भी स्थापना हुई थी फेमिन के लिए। और तो अब पढ़ेंगे हम लोग देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1857 की क्रांति शुरू होती है, 57 की क्रांति के बाद इस समय में आ जाता है कि हम राष्ट्र के स्तर पर एक नहीं है, और उससे ऐसा होता है कि ब्रिटिशर्स हमको पूरी तरह से कुचल देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, हमारे आंदोलन को कुचल देते हैं। जिसके बाद अलग अलग वर्ग के नेता, समाज सुधारक अलग अलग संस्थाएं बनाते हैं, और उस जिसका मेन काम होता है राष्ट्रीय चेतना हर भारतीय के अंदर भरना, राष्ट्रीय चेतना उजागर करना हर भारतीय के अंदर, ठीक है। उसी तरह एक देवबंद आंदोलन बनता है, देवबंद आंदोलन जो मुस्लिम समाज के लिए होता है, देवबंद आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए होता है, मुस्लिम्स के अंदर सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, और
राजनीतिक स्तर पे उनको सक्षम बनाना ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके, ठीक है, वो ब्रिटिशर से लोहा ले सके। इसी के तर्ज पे एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है देवबंद आंदोलन 1866, ठीक है। ये इसके लिए अपनी शिक्षाएं देने के लिए, इस्लामिक शिक्षाएं देने के लिए इसने एक मदरसा बनाया, कहां पे? दारुल उलूम मदरसा बनाया कहां पे? देवबंद एक जगह है सहारनपुर के अंदर, वहां पे दारुल उलूम मदरसा बनाया जाता है। और इसको बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हुसैन अहमद मदनी, रसीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोत्री, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। इसी के बाद 1919 में जमातुल हिंद के नाम से एक संस्था बनती है जो इसी की शाखा होती है, जो अभी भी चली आ रही है, ठीक है, इसी की शाखा होती है। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ा सहयोग दिया, ठीक है। जमातुल हिंद 1919 में बनती है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसी के समय ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 की स्थापना होती है। भारतीय ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना होती है 1866 में। कौन करता है स्थापना? केशव चंद्र सेन, इसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का मामला हो जाता है किसके साथ? रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ। और इस वजह से ये अपना एक अलग समाज बना लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ब्रह्मो समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की 1828 में, और इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, उसकी कमान संभाली। और 65-66 के आसपास उनसे मामला ये बिगड़ जाता है कि ब्रह्मो समाज बात करता है इक्वालिटी की, उसके बाद बाल विवाह को खत्म करने की, पर्दा व्यवस्था को खत्म करने की, लेकिन केशव चंद्र सेन अपनी बेटी की शादी कर देते हैं कूचबिहार के राजा के बेटे से जो कि नाबालिग होता है। इस वजह से थोड़ा समस्या खड़ी हो जाती है और वो अलग बना लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका नाम होता है आदि ब्रह्मो समाज, और ये बना लेते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। केशव चंद्र सेन ने नवा विधान की भी स्थापना की थी। नवा विधान क्या है? असल में केशव चंद्र सेन जो है क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे वैल्यूज हिंदुइज्म में लाके मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इनको ब्रह्मो समाज से हटा दिया गया, ठीक है। और एक दूसरी गलती क्या करते हैं कि अपनी बेटी की शादी कूचबिहार के राजा के बेटे से कर देते हैं। तो इन सब वजह से उनको हटा दिया जाता है। तो उन्होंने एक नवा विधान की स्थापना करते हैं, वो नवा विधान की भी स्थापना करते हैं। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना करेंगे, ठीक है। और किससे अलग होते? देवेंद्रनाथ टैगोर से। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया? आदि ब्रह्म समाज। असल में हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे अलग से भी, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में इसलिए सब बता दे रहे हैं। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना यही करेंगे, इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करेंगे दादाभाई नेहरू जी 1866 में ही, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रिक बनाएं, ACBD पे, ठीक है, तो मतलब ये सारे 1866 में ही हुए हैं, वो सारी चीज जो 1866 में हुई है। ए फॉर अलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, सी फॉर कैंपबेल कमीशन की स्थापना भुखमरी या तमीन के लिए ओडिशा के अंदर, बी फॉर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा, ई फॉर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना और बी फॉर देवबंद आंदोलन की स्थापना या शुरुआत, ठीक है। ये सारा हुआ 1866 में। इसके बाद 67 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्मारंग पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 के अंदर आत्माराम पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना होगी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया, अब लॉर्ड मायो का समय आता है 1869 से लेकर 1872 तक। ये एकलौते ऐसे गवर्नर जनरल वाइसराय हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी इसके द्वारा, हत्या के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। कब? 1872 में। और सैयद अली अफरीदी के नाम से दंडित अपराधी था,
जिसने इनका मर्डर कर दिया था, सैयद अली अफरीदी के नाम से एक दंडित अपराधी जिसने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी के समय में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। और पाबना रिवोल्ट कहाँ होता है? 1870 में ही होता है। पाबना और पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई 1870 में। और पाबना विद्रोह होगा बंगाल के अंदर 1870 के ही दशक में। और ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल, ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल इसके नेता होते हैं, इस विद्रोह के नेता होते हैं ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल। और ये तो इसी साल का सवाल है। जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब होगी? 1881 में। नियमित जनगणना की शुरुआत होगी 1881 में, लेकिन जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। ठीक है, और वित्तीय विकेंद्रीकरण या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन उनके समय वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब कि प्रशासन की छोटी इकाइयों को भी ये शक्ति दी गई कि आप भी राजस्व को कलेक्ट करिए, संग्रहित करिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लॉर्ड मायो। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक की जो वायसरायशिप शुरू होती है वो 1872 से लेकर 1876 के समय में शुरू होती है। 1872 से 1876 के समय में शुरू होती है। इनके समय सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये भी सवाल पीसीएस का आया हुआ 2023 में। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमने बताया कि 1858 के बाद से ही बहुत सारे समाज सुधारक संस्थाएं शुरू होती हैं जो राष्ट्रीय चेतना उजागर करने की कोशिश करती हैं अपने लोगों के अंदर। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज शुरू होता है 1873 में। सत्यशोधक समाज शुरू होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना होगी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसने कहा था बैक टू वेदास की तरफ चलो। हाँ, तो अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होगी, थियोसॉफिकल समाज या की स्थापना होगी 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल समाज की स्थापना होगी 1872 में। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? इसकी स्थापना न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना होती है। एच पी ब्लाटवास्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट इसके संस्थापक होते हैं। और बाद में जब एनी बेसेंट इस समाज की अध्यक्ष बनती हैं इनके देहांत के बाद, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलराइज करती हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो का मतलब होता है रिलीजन। और इसी समय डेक्कन विद्रोह होता है 1872 में। ठीक है, और कूका आंदोलन की शुरुआत होती है 1872 में। और इसमें जो मेन लीडर होते हैं वो बाबा राम सिंह होते हैं और भगत जवाहरमल होते हैं। बाबा राम सिंह और भगत जवाहरमल इसके मेन लीडर होते हैं। बाद में कूका आंदोलन जो इसमें ये एक तरह का सिख सुधार आंदोलन भी था। ये बाद में एक सेक्ट बन जाता है जिसका नाम होता है नामधारी सेक्ट।